नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बिश्नोई आप सभी का गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के फेसबुक पेज और classbook.com यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर प्रतिदिन मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। मित्रों, पिछले हमने 15 दिन से लगातार टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। इस सीरीज में आज 14वां पेपर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस पेपर में आज हमने प्रश्नों की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी है। 50 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का बारी बारी से मेरे द्वारा आपको पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। समय आपको दिया जाएगा, उत्तर आपको देना है। आपके उत्तर देने के बाद विस्तार से प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। दोस्तों, लिए चलता हूँ आज के इन 50 प्रश्नों की शुरुआत की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आप देखेंगे, ये है आपका राजस्थान पुलिस परीक्षा 1997 से 2014 तक का चौथा पार्ट, जिसमें पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। लौंग, लौंग निम्नलिखित में से क्या है, हमें ये बताना है लौंग क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, फल का छिलका है, फूल की पत्ती है, फूल की कली है और कंदमूल है। मित्रों, समय आपका शुरू हो चुका है, 5 सेकंड में आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। मित्रों, समय आपका पूरा हो गया। इस क्वेश्चन के बारे में अब आपको मैं बता देता हूँ। लौंग मित्रों, सामान्यतः हम चाय में और अन्य सब्जी वगैरह में लौंग का उपयोग करते हैं। ये गर्म होता है वैसे, है ना। तो ये जो कच्चा फूल होता है, कच्चे फूल की जो कली होती है, या यूँ कह सकते हैं फूल की कली या कच्चा फूल, जिसको हम लौंग के रूप में काम में लेते हैं, ये है फूल की कली। उत्तर नंबर 3 होगा। भारत में सबसे ज़्यादा लौंग केरल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लौंग कहाँ होता है, केरल में। तो ये था कि लौंग। इसी के साथ में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है केसर के बारे में। आपको याद होगा केसर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है या केसर में क्या भाग खाया जाता है। आपको याद रखना है जो केसर का फूल होता है, केसर का जो फूल होता है, उस फूल के अंदर जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय का एक भाग आपने कभी देखा होगा। तो इस प्रकार से ये फूल, यहाँ अंडाशय और इस प्रकार से एक लंबी नलिका होती है और ऊपर ये भाग होता है, ये इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये कैंसर, इसका आपका केसर, केसर जो होता है ना, उसका क्या खाया जाता है, वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा खाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये पहला प्रश्न था आपका। दूसरा प्रश्न है सुमेलित करना है। दूसरा प्रश्न में क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। पहले आपस में सुमेलित कर लेंगे, फिर हम ऑप्शन देख लेंगे। मित्रों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ जी, कास्टिक सोडा मिलाना है, वॉशिंग सोडा मिलाना है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये आपस में मिलान करना है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्शन तय करते हैं। चलिए, क्योंकि मित्रों 2018 में सामान्य विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे लड़के केवल और केवल सेकेंड पार्ट में विज्ञान की वजह से रह गए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन्हें दुख हुआ। इस बार दुख नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमसे जुड़ चुके हैं और लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, ये क्वेश्चन आपके सामने, समय आपका शुरू हो चुका है। फटाफट बताइए, मिलान करिए, क्या उत्तर रहेगा। समय आपका पूरा हो चुका है। मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, कास्टिंग सोडा, कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ओके। चलिए, दूसरा है वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। मित्रों, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, Na2CO3। तीसरा है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये 3 तो हो गए। चौथा जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर।
चौथा ब्लीचिंग पाउडर। मित्रों ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को और क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका फॉर्मूला CaO CaO Cl2 होता है, CaO Cl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कह सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हो। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है फिर सुमेलित करना है। ये सुमेलित करने वाले बहुत ही बढ़िया किस्म के क्वेश्चन 2014 के पेपर में इन क्वेश्चनों को हमने देखा था और इतने गजब के क्वेश्चन हैं, सुमेलित करना है। मित्रों हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, रेडियोमीटर, आपके सामने राशियां दी गई हैं और ये उपकरण थे, इनको आपस में मिलान करना है। ठीक है, समय आपका शुरू हो चुका है, देखते हैं सबसे पहले कौन मिलाता है, यानी आपस में इनको मिलाना है, समय पूरा हो गया है। मित्रों हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल के अंदर जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, वायुमंडल के अंदर क्या होती है, आर्द्रता, है ना, उस आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर काम में लिया जाता है। जबकि हाइड्रो HYDRO, यदि हाइड्रो की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, जबकि हाइग्रो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। लैक्टोमीटर ये दूध का घनत्व मापता है, लैक्टोमीटर, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, रेडियो और लैक्टोज शर्करा होती है। रेडियोमीटर विकिरण मापता है, क्या मापता है, विकिरण। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मित्रों आपके सामने है वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में क्या लाते हैं। समय शुरू होने से पहले चार ऑप्शन, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल और उत्तल दर्पण। आपका समय शुरू हो चुका है। वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, समय पूरा। मित्रों आपके सामने दो दर्पण बना रहा हूं, एक दर्पण मैंने बनाया ये, ठीक है, और इधर मैंने, दर्पण में क्या होता है मित्रों, अपारदर्शी, एक तरफ यूं कह सकते हैं आपका चांदी का या निकल की परत चढ़ाई जाती है, ये लो इस तरफ हमने परत चढ़ा दी, एक मैंने बना दिया ऐसा, इस पर मैंने अब की बार इस तरफ क्या चढ़ा दी, परत चढ़ा दी। ठीक है, अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, इधर आएगी, इधर लौट जाएगी, इधर आएगी, इधर लौट जाएगी, कुछ आएगी सीधी लौट जाएगी, है ना, जबकि इस पर आएगी तो वो इधर आएगी, ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे चलेगी, है ना। तो मित्रों यहाँ ये हमने बनाया, अब ऊपर से उभार वाला जो है ना, ये यानी ऊपरी जो सतह है जिस पर किरणें आकर के टकरा के जा रही है, वो जो सतह है वो उभार वाली है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। जबकि ये अंदर से है, देखो अंदर से है और किरणें अंदर वाली सतह पर आकर के टकराती है, इस प्रकार, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। मित्रों दोनों में क्या अंतर है, ये दो अलग अलग दर्पण हो गए। अब अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। क्लियर हुआ, आभासी। जबकि उत्तल में सामान्यतया इसमें क्या बनता है, छोटा बनता है। उत्तल में क्या बनता है, छोटा लेकिन वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक। ये दोनों में बड़ा अंतर है। क्लियर हो गया होगा, चलें आगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, इसने पूछा था ना, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण का उपयोग आपको पता ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, गाड़ियों की हेडलाइट ऐसी होती है, आपने देखा हो तो, ऐसे यहाँ एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से होकर के गाड़ी के अंदर सेट होती है, ठीक है, यहाँ बल्ब होता है, इस बल्ब से किरणें निकलेगी, यहाँ टकराएगी इधर जाएगी, यहाँ टकराएगी इधर जाएगी, और यहाँ एक जगह प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा, या यूँ कह सकते हैं एक जगह प्रकाश इकट्ठा होता है। टॉर्च हाथ में लेते हैं हम,
तो टॉर्च रात के अंधेरे में करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी दूर पर आगे लाइट का एक गोला सा बन जाता है। वो इसलिए बनता है कि किरणें आपस में इस दर्पण में टकराती है और यहाँ एक जगह इकट्ठी होती है, ठीक है। अब इस दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा ही बड़ा बनता है लेकिन आभासी बनता है मित्रों, ठीक है। और इसका उपयोग देखो गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में और काम में लिया जाता है। डॉक्टर जो टॉर्च हाथ में रखते हैं ना उसमें भी काम आता है मित्रों। डॉक्टर टॉर्च का क्या करता है, उस टॉर्च में जिसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है, उसका काम है आँख के अंदर कोई समस्या है तो उसको देखना है, नाक में कोई समस्या है तो उसको देखना है। देखो जो समस्या भाई नाक को यदि दांत में कोई समस्या है और दांत में क्या समस्या है उसको चेक करना है तो वो क्या हो अवतल दर्पण काम में लेगा। अवतल दर्पण जैसे ही लगाएगा एक तरफ तिरछा करके तो उसको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में बड़ा, अर्थात बड़ा दिखाई देगा तो आसानी से वो उसको का इलाज कर पाएगा। क्लियर हो गई बात, अगले आगे चलते हैं। रेड रोट बीमारी किस फसल की है, रेड रोट इसके बारे में हमें बताना है। रेड रोट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गन्ना गेहूं चावल मटर। समय आपका शुरू हो चुका है मित्रों, सही समय पर जवाब देने वाला ही आगे जाएगा। जो समय से पीछे रह गया वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में अपने को 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, 2 या 3 घंटे में आपने यदि कुछ कर्मकांड कर दिया तो आप सफल हैं, और यदि आप कर्मकांड 2 घंटे 3 घंटे में नहीं कर पाए तो आपको वापस उसी जगह जाना पड़ेगा। कहाँ, कौन सी जगह पर गुरुजी बताओ, अरे वो फॉर्म भरने वाली ई मित्र की दुकान पर। दोबारा फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, रेड रोट की बात चल रही थी, ये गन्ने का रोग है। किसका रोग है, गन्ने का। मित्रों गन्ना जो होता है उस गन्ने में, हाँ भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, कोई बताएगा क्या। गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, दूसरा सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और गन्ने के द्वारा चीनी बनाई जाती है। तो गुरुजी चीनी तो चुकंदर से भी बनाई जाती है, तो मैंने तो मना नहीं किया, चुकंदर से भी बनाई जाती है, ठीक है, तो चीनी तो दोनों से ही बनाई जाती है, लेकिन भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा गन्ने से होता है। तो गुरुजी राजस्थान में गन्ना, बिल्कुल गन्ना राजस्थान में बूंदी में होता था थोड़े दिन पहले, लेकिन पिछले साल सारी स्थितियाँ बदल गई, अब वर्तमान में गंगानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होने लग गया, ठीक है गन्ना। अब बात कर रहे थे अपन रेड रोट बीमारी की। मित्रों ये जो गन्ना होता है इस गन्ने में रेड रोट यानी गन्ने के अंदर आप देखना जगह जगह लाल लाल सा चकता सा बन जाता है, उसको बोलते हैं गन्ने का रेड रोट रोग। ये क्यों होता है, ये जिस रोग के कारण होता है या जिस कीटाणु के कारण होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलेट्रोट्राइकम फाल्टिकम, ठीक है, ये है गन्ना। मित्रों यदि गेहूं की बात करें तो गेहूं का एक प्रमुख रोग है स्मट रोग। क्या नाम है, स्मट रोग, यानी गेहूं के जो बालियां होती है ये खराब हो जाती है, या गेहूं की जो जहां अपने गेहूं का बीज बनता है बाली में उसके ऊपर से मिट्टी सी बन जाती है ना, उसको स्मट रोग कहते हैं। चावल की बात करेंगे मित्रों, चावल के अंदर जो रोग होता है वो, वैसे तो चावल के बहुत सारे रोग मिल जाएंगे, सामान्यतः कवक से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है ना, मटर में भी बहुत सारे रोग मिल जाएंगे। सामान्यतया बीमारी लगभग सभी फसलों में बीमारियां लग जाती है, सामान्यतया फंगस जो होता है ना कवक, कवक के कारण ज़्यादा बीमारियाँ लगती है, ठीक है। तो ये था हमारा रेड रोट की बात। अगला प्रश्न देखेंगे, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मित्रों पाचक रस, हमारे शरीर में जो पाचक रस है उनकी बात कर रहा है ये, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समय आपका शुरू हो चुका है, पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। समय आपका कुछ ज़्यादा दे दिया आज मित्रों, पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि हमारा जो पेट होता है, हमारी जो अमाशय होती है, अमाशय, अमाशय के अंदर एक जठर रस निकलता है, जठर रस, क्या निकलता है, जठर रस। इस जठर रस में एक अम्ल होता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये जो HCl होता है, ये HCl हमारे भोजन को कैसा बनाता है, जैसे मान लीजिए ये अपना मुख और बाद में ये हमारा पेट, इसको इसको बोलते हैं अमाशय, ये अमाशय है या पेट है,
और ये आपका ट्रेकिया ब्रेकिया या श्वास नली जिसको बोलते हैं, और ये आपका मुख है। श्वास नली अलग होती है और भोजन नली दोनों अलग होती है, यहाँ से दोनों डिवाइड हो जाती है ना। तो भोजन आपका पेट में ऐसे आता है भोजन नली के माध्यम से। मुख में आप भोजन लेंगे, जैसे ही चबाएंगे उस दौरान लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं वो भोजन को क्षारीय बना देते हैं। अब ये भोजन आएगा पेट में, भोजन पेट में आया तो उसको अम्लीय बनाने का काम कौन करेगा? जठर रस का में उपस्थित HCl अम्ल, वो क्या कर देगा? भोजन को अम्लीय बना देगा। इस प्रकार से भोजन क्या होगा, पाचन जल्दी होता है और सदुपयोग भी होता है। कई बार हमारा जठर रस HCl का स्त्रवण ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा पेट में जलन होती है, उसको हम एसिडिटी कहते हैं। अब एसिडिटी के दौरान हमें क्या करना चाहिए मित्रों? एसिडिटी जब भी होती है तो हम दौड़ करके मेडिकल पर जाते हैं और उसको बोलते हैं गुरुजी, या मेडिकल वाले को बोलते हैं स्टोर वाले को, भाई साहब जल्दी से मुझे या तो इनो दे दो या कोई ऐसी टेबलेट दो ताकि मेरी जलन ख़त्म हो जाए, पेट में एसिडिटी हो गई है। वो हमें इनो देता है और इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है क्षारीय, जैसे ही इसको पियोगे तो पीते ही जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और भोजन आपका पेट शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भौतिक परिवर्तन है मित्रों? भौतिक परिवर्तन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, रसोई गैस का जलना, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना और भोजन का पचना। ये आपके सामने चार ऑप्शन थे। अब आपको बताना है भौतिक परिवर्तन, समय आपका शुरू हो चुका है। भौतिक परिवर्तन मित्रों, भौतिक परिवर्तन के बारे में, समय आपका पूरा हो गया। रसोई गैस का जलना मित्रों, आग जली है, या यूँ कह सकते हैं गैस जली है। गैस क्या हुई? गैस जली, किसकी उपस्थिति में जली? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो गैस जलने से यहाँ गैस कौन सी हो सकती है? यदि मान लीजिए हमने CNG गैस घर में ला रखी है तो CNG गैस में CH4 मैथेन ज़्यादा होती है ना, तो ये गैस जलेगी O2 की उपस्थिति में। जलने के बाद में CO2 बन जाएगी, कुछ और चीज़ें बन जाएगी। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन। दूध का फट जाना मित्रों, दूध जो होता है उसमें एक शर्करा होती है जिसको हम लैक्टोज शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज शर्करा। जैसे ही दूध फटेगा तो लैक्टोज शर्करा किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में। तो दूध भी फट गया है, क्या फटा हुआ दूध वापस दूध बन सकता है? गुरुजी नहीं बन सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या गैस जलने के बाद जो नए पदार्थ बने क्या उनको वापस गैस बनाया जा सकता है? नहीं गुरुजी। तो वो भी क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घोला मित्रों, पानी के अंदर चीनी को घोल दो, घोल दिया गुरुजी, घोल दिया। अब एक काम करो, धूप में छोड़ दो। धूप में छोड़ोगे टेम्परेचर पड़ेगा सूरज का, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, वापस चीनी बच जाएगी, चीनी ने अपना मूल स्थान भाव प्राप्त कर लिया। इसका मतलब जल में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना मित्रों, भोजन आपका पेट में डाला आपने और पच गया, पचने के बाद में अपशिष्ट पदार्थ पाकिस्तान की ओर चले गए और काम की चीज़ें हैं वो कहाँ हो गई? हमारे शरीर में रक्त के साथ मिल गई। क्या इन सभी चीज़ों को वापस भोजन बनाया जा सकता है? नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये हजारों बार क्यों सुनाया है? नाखून की, स्टेपीज की, जबड़े की हड्डी, नाक की हड्डी, क्या उत्तर होगा? फटाफट बता दो, टाइम नहीं लगना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, समय आपका पूरा हो गया मित्रों। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? आपके स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है? ये कान की हड्डी होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जबकि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी या अस्थि कौन सी होती है? तो हम बताते हैं जांघ की। कौन सी? फीमर। मित्रों जांघ की जो हड्डी होती है फीमर सबसे बड़ी होती है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारी त्वचा। हमारी जो त्वचा होती है ना, ये हमारे शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग है। बिल्कुल याद रहेगा ना, ठीक है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी यदि ग्रंथि पूछे तो क्या बताओगे? यकृत। बिल्कुल सही है, यकृत ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? मित्रों चार ऑप्शन आपके सामने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। समय आपका शुरू हो चुका है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये सर्वाधिक वाला क्वेश्चन ईजी है,
लेकिन इसमें आगे एक चीज़ पूछी जाती है कई बार, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 20 से थोड़ी ज़्यादा, यानी लगभग 21% के आसपास, 20.93। लेकिन तीसरी सबसे ज़्यादा जो गैस है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरी सबसे बड़ी गैस। मित्रों, CO2 चौथी सबसे बड़ी गैस है, पहली हो गई नाइट्रोजन, दूसरी हो गई ऑक्सीजन, तीसरी सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है आर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्गन। गुरुजी कितनी हुए हा? ये होती है 0.93%। ओके, जबकि चार नंबर पे कौन होता है? CO2। CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है? मित्रों, चार ऑप्शन आपके सामने, सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन और इंसुलिन। समय आपका शुरू हो चुका है। गाय के थनों में दूध उतारने वाला हार्मोन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, समय पूरा हो गया। हाँ जी, ऑक्सीटोसिन। मित्रों, इस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने कभी देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि लोग बाजार में, सब्जी मंडी में बड़ी बड़ी लौकी, बड़े बड़े सब्जी लेकर के आ जाते हैं। लौकी का 5 किलो का, 10 किलो का लेके आ गया कोई, कोई पेठा 5 किलो का ले आया, कोई 10 किलो का ले आया, है ना, कोई तरबूज बड़े बड़े ले आया। ये सारे के सारे क्यों होते हैं? ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक वृद्धि कारक हार्मोन है। क्या है ये? वृद्धि कारक हार्मोन है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये गाय भैंस में दूध उतारने वाला हार्मोन है, और फल सब्जियों में इसको लगा देने से उत्पादन बढ़ जाता है, उनका आकार बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण का कारक क्या है? मित्रों, सीसा, तांबा, जस्ता, सोना। क्वेश्चन का समय शुरू हो चुका है, समय बहुत कम है, 5 सेकंड आपका समय पूरा। वायु प्रदूषण का कारक हमें बताना है। मित्रों, वायु प्रदूषण का मुख्य होता है कारक पीबी। पीबी को बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। इसे सीसा भी बोलते हैं, सीसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, 82। ओके, ये वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, HIV से होने वाला रोग। HIV एक आपका जो HIV रोग होता है, वो एड्स होता है या कैंसर होता है या आताशक होता है या क्षय रोग होता है, आपको बताना है। समय आपका शुरू हो गया है। HIV से होने वाला रोग, यानी यहाँ HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस के कारण एड्स होता है। क्या होता है? एड्स। मित्रों, इस एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये नाम है इसका, एड्स का। मित्रों, इसमें जो HIV वायरस होता है, यानी इस HIV वायरस के कारण ही क्या होता है? ये एड्स होता है। इसे रिट्रो वायरस भी कहते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है रिट्रो वायरस के कारण क्या होता है? एड्स। एड्स के वायरस का HIV नाम है, और इस HIV वायरस का दूसरा नाम है रिट्रो वायरस। मित्रों, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। सिंगल का मतलब SSRNA। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि HIV का जो HIV वायरस होता है वो कैसा होता है, क्योंकि वायरस में केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। और जैसे ही ये वायरस क्या होता है, किसी के शरीर में एंट्री मारते हैं, किसी के शरीर में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ ये जो RNA है, इनमें क्या होती है? वृद्धि होने लग जाती है, जिससे वायरस खूब सारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो HIV वायरस होता है, इसको रिट्रो वायरस भी कहते हैं, और ये SSRNA कहलाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, एक्यूपंचर क्या है? मित्रों, एक फसल का नाम, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति, एक पूर्व ऐतिहासिक पशु, टायर ट्यूबों को ठीक करने की विधि। समय आपका शुरू हो चुका है। एक्यूपंचर क्या है, हमें बताना है एक्यूपंचर। मित्रों, समय आपका पूरा हो गया है। एक्यूपंचर चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति दर्द से राहत दिलाती है। क्या करती है? जैसे शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो इस राहत दर्द से क्या दिलाती है? राहत।
इसमें क्या करते हैं, शरीर के अंदर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ सुई चुभोई जाती है, एक ही सुई नहीं बार बार, जैसे आसपास जगह पर बार बार सुई चुभोई जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में दर्द में राहत मिलती है, ये एक्यूपंक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्यूपंक्चर, ठीक है। अगला, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? ओजोन परत का काम क्या है? परावैंगनी विकिरणों से रक्षा, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, प्रदूषण करती है, वर्षा कराती है। ऑप्शन चारों मिल गए, समय आपका शुरू हो गया है। सबसे पहले जवाब देने वाला ही अच्छा छात्र और रचनात्मक और पढ़ाई में लग्न वाला विद्यार्थी माना जाता है। आप जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वायुमंडल में ओजोन परत का काम है पराबैंगनी किरणों की रक्षा करना। मित्रों, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्षोभ मंडल, ये हमारी समताप, ये मध्य और ये आयन मंडल, ये पृथ्वी। पृथ्वी से यहाँ तक है क्षोभ मंडल, जहाँ वायुमंडलीय सभी घटनाएं घटती है, जैसे बारिश का आना, मेघ का गर्जना, वायु प्रदूषण वर्दूषण सब वायु, क्योंकि अधिकांश वायुमंडल यही होता है। समताप मंडल में ताप सम्मान रहता है। मित्रों, समताप मंडल के अंदर ही यहाँ पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत, और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। चलिए अगला प्रश्न, पक्षी जो उड़ नहीं सकता। मित्रों, चार ऑप्शन आपके सामने, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, चील। समय आपका शुरू हो चुका है, पक्षी जो उड़ नहीं सकता हमें बताना है, समय आपका पूरा हो गया है। मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? शुतुरमुर्ग। कौन सा ऐसा जीव है या पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, हम इसको क्या बोलेंगे? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग वैसे अफ्रीका में पाया जाता है, सामान्यतः कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। और यदि आपको राजस्थान में देखना है तो राजस्थान के अंदर अल्बर्ट हॉल के पास में चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर के अंदर, अभी तो आना मत क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, और वैसे चिड़ियाघर विड़ियाघर सब बंद पड़े, फिर कभी जब खुल जाए तब आ जाना। यहाँ आपको शुतुरमुर्ग का जोड़ा मिल जाएगा। शुतुरमुर्ग कहते हैं कि ये यदि संकट का समय हो तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, से ये दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, अंडा मित्रों, ये अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न, बासमती किस्म, बासमती किस्म किसकी है? मुझे पता है ये प्रश्न आपको सबको आता है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, समय शुरू कर देता हूँ। बासमती किस्म किसकी है? मित्रों, समय आपका पूरा हो गया, आपने जवाब देने का प्रयास किया चावल के बारे में, बहुत ही अच्छी बात है। ये चावल की एक किस्म है बासमती। मित्रों, चावल की अन्य किस्मों की बात करें तो कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका, सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, प्रताप आदि चावल की किस्में हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा में, हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसने चावल की एक बेहतरीन किस्म का विकास किया है, चावल की एक बेहतरीन किस्म का विकास किया है, उसका नाम है माही सुगंधा, वेरी इंपॉर्टेंट, माही सुगंधा। चलो गुरुजी, आ तो बता दियो, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? बिल्कुल, चावल सबसे ज़्यादा गंगानगर में ही होते हैं, जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं वर्तमान में? देखो मित्रों, पहले चावल होता था आपके सबसे ज़्यादा पंजाब में, और इस बार 2017-18 के नवीनतम डेटा के अनुसार चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि प्रतिशत के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से यदि पूछा जाए कि चावल सबसे कहाँ होता है ज़्यादा, तब हमें क्या बताना है? पंजाब, तब हमें पंजाब बताना है। चलो अगला क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने से क्या होता है? गुरुजी, कुछ नहीं होता, खारा हो जाता है। ना ना, असली क्वेश्चन पढ़ो और इसके चार ऑप्शन देखो। उबाल बिंदु बढ़ जाता है, उबाल बिंदु घट जाता है, गलन बिंदु बढ़ जाता है, उबाल बिंदु अपरिवर्तित रहता है। समय आपका शुरू हो चुका है, पानी में नमक मिला दो, नमक मिलाते ही पानी का क्या हाल होगा? गुरुजी, हाल चाल तो अच्छा ही होगा, कुछ नहीं। देखो, हम पानी लेते हैं दो, एक तो ये लिया मैंने बर्तन में पानी, चलो ऊपर से खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा बर्तन मैंने लिया ये, ठीक है, मैंने इसमें भी पानी मिला रखा है, इसमें भी पानी, ठीक है। नीचे मैंने आग लगा दी, इसके नीचे भी मैंने आग लगा दी। मित्रों, इसमें केवल और केवल पानी है,
पानी पानी। और इसमें पानी के साथ क्या ठोक रखा है? क्यूसन वाला नमक, क्यूसन वाला नमक। दोनों को जलाओ, मतलब दोनों को उबालना है। आपको याद होगा मित्रों, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। आपको याद है ना, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 पर। अब ऐसा है कि जैसे ही आप दोनों पानी को बराबर गर्म करोगे तो ये तो 100 डिग्री पर उबल जाएगा, लेकिन यानी पानी को उबालना, यानी जो पानी का उबाल बिंदु होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक, ठीक है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। और यहाँ हमने क्या कर रखा है? नमक मिला रखा है। तो मित्रों ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, इसमें 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी क्वथनांक इसका क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी ये अधिक ताप पर उबलेगा और ये कम ताप पर उबल जाएगा, और उबलने को बोलते हैं क्वथनांक, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? क्वथनांक बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ना, अर्थात उबाल बिंदु बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या उत्तर रहेगा? 1। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग का कारण क्या है? एनीमिया मित्रों, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। अब आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, समय आपका शुरू हो चुका है। एनीमिया रोग का कारण क्या है? गुरुजी, एनीमिया रोग का कारण होता है रक्त की कमी, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ चार ऑप्शन है, उनमें से क्या होगा? लोहे की अधिकता, आयोडीन की कमी, लोहे की कमी। मित्रों, हमारे शरीर में लोहे की जब कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कैसे गुरुजी? आपको याद होगा कि हमारा जो रक्त होता है, इस रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। आयरन और क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। मित्रों, हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त निर्माण में महती भूमिका निभाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। यदि हमारे शरीर में आयरन कम होगा तो सीधी सी बात है, रक्त नहीं बनेगा। जब रक्त नहीं बनेगा तो शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा तो चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे, अर्थात रक्त की कमी हो जाएगी शरीर में। तो रक्त की कमी कैसे होगी? लोहे की कमी से। तो गुरुजी, लोहे का बड़ी बड़ी डंठल खा लें, लोहे के जो बड़े बड़े कील होती है वो खा लेते हैं, सही हो जाएगा शरीर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये आपके शरीर को नुकसान कर देगी। तो गुरुजी मित्रों, फल सब्जियां खाओ, फल सब्जियों में आयरन खूब होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पोलियो रोग का जनक कौन है? मित्रों, पोलियो का जनक होता है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। समय आपका शुरू हो गया है, पोलियो समय आपका शुरू हो चुका है और समय आपका खत्म भी हो चुका है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। मित्रों, पोलियो एक वायरस जनित रोग है। पोलियो में पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, या कोई एक हाथ या पैर लकवाग्रस्त हो जाता है। आहार नाल और तंत्रिका तंत्र इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये पोलियो है, ठीक है। मित्रों, भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 में लाया गया, ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 27 मार्च 2014 को पूरे भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये तारीख आपको रटनी है। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? मित्रों, रेबीज का जो टीका है वो किसने बनाया? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर सोक, डॉक्टर साविन, लुई पास्टर, उपरोक्त तीनों ने मिलकर। समय आपका शुरू हो चुका है, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। मित्रों, समय आपका पूरा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? लुई पास्टर ने। रेबीज, रेबीज क्या होता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, यानी वह रोग जिसे व्यक्ति को पानी से डर लगता है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। और ये कुत्ते से, गाय से, बकरी से, बंदर से आदि से ये रोग फैल जाता है, ठीक है, रेबीज है। तो मित्रों, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्टर ने। विद्युत मीटर गणक उपयोगिता बताता है, विद्युत मीटर। मित्रों, अपने घरों में क्या होता है? मीटर लगा होता है, और मीटर हमें क्या बताता है? एम्पियर, डिस्क में, वोल्ट में, यूनिट में। यानी हमने जो घर में विद्युत का उपयोग किया, उस विद्युत उपयोग को किस में दिखाता है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताओ, विद्युत मीटर गणक किस में काम, मतलब किस में बताता है ऊर्जा को? मित्रों, ये यूनिट में बताता है। किस में बताता है? यूनिट में।
मित्रों विद्युत जो होती है वो हम किलो वॉट के तहत मापते हैं। एक किलो वॉट बराबर होता है एक यूनिट, यानी हम एक किलो वॉट यूनिट खर्च करेंगे अर्थात एक यूनिट खर्च हो जाएगी, यानी एक किलो वॉट बराबर किसके होता है एक यूनिट के। और घरों में जो मीटर लगा होता है विद्युत मीटर, ये मीटर हमें विद्युत जो हम उपभोग करते हैं उस उपभोग को किस में बताता है यूनिट में, कि आपकी इतनी यूनिट आ गई है ना। अगला प्रश्न, अगला है ध्वनि का मात्रक क्या है। मित्रों ध्वनि, ध्वनि आवाज़ है, ध्वनि का मात्रक किलोवाट वोल्ट डेसिबल एम्पियर। समय आपका शुरू हो चुका है, ध्वनि का मात्रक क्या है आपको बताना है। मित्रों समय आपका पूरा, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है डेसिबल, 80 डेसिबल से ज़्यादा, 80 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि का ध्वनि हो तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। 80 से कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कान को नुकसान नहीं होगा। 80 डेसिबल से ज़्यादा होते ही कान को नुकसान हो जाएगा, ध्वनि का मात्रक क्या हुआ डेसिबल। अगला है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था। मित्रों चंद्रमा पर पहला उतरने वाला व्यक्ति कौन था, चार ऑप्शन, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, अनातोली बेरीजोवाय और वेलियंतन लेविडियन। ऑप्शन मिल चुका है, समय आपका शुरू हो चुका है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, समय आपका पूरा, मित्रों उत्तर रहेगा नील आर्मस्ट्रांग। बात है 1967 की, 1967 में अपोलो यान के माध्यम से, अपोलो यान के माध्यम से चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, बाइसिकल, बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया। मित्रों बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया, चार ऑप्शन आपके सामने, जे बी डनलप, लिबर्टी, सूर डेमलर। बाइसिकल टायर का, मित्रों बाइसिकल का जो टायर होता है टायर, उस टायर की का आविष्कार किसने किया हमें बताना है। समय आपका पूरा हो गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा मित्रों, डनलप, यानी जे पी डनलप, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बाइसिकल टायर का आविष्कार। मित्रों गैल्वेनोमीटर नाम सुना है, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने। ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपको बहुत बार बताया मैंने, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट फेराडे ने। किसने, रॉबर्ट फेराडे ने, रॉबर्ट फेराडे, फेराडे ने किसका आविष्कार किया ट्रांसफार्मर का। जबकि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, रुडोल्फ डीजल ने। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार, आ गया भाई अच्छा क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, विलियम बुक, मॉर्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डेविड बुश। ऑप्शन आपके सामने, टाइम आपका शुरू हो चुका है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया फटाफट बता दो, समय आपका पूरा हो चुका है। क्या उत्तर रहेगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, जबकि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया बता सकते हो, जेम्स वॉट ने। भाप के इंजन का किसने, जेम्स वॉट। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, ग्राम आपको माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। किसने, ग्राहम बेल ने, यानी टेलीफोन को और क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। ओके चलिए अगला प्रश्न, पायरिया रोग, पायरिया रोग होता है किससे होता है फटाफट बताओ, समय आपका शुरू हो चुका है। पायरिया रोग, पायरिया रोग किसका रोग है, समय पूरा हो गया। मित्रों पायरिया रोग दांतों का है, पायरिया रोग में क्या होता है, एंट अमीबा नामक परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण पायरिया रोग होता है। इसमें दांतों का रंग पीला पड़ जाता है, मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में क्या आता है, खून आने लग जाता है। ठीक है चलिए, इनमें उत्तम विद्युत सुचालक है, उत्तम विद्युत सुचालक आपको बताना है, सुचालक बताना है, गीला कपड़ा, बांस की लाठी, रबड़ का दस्ताना, हॉकी स्टिक। समय आपका शुरू हो गया, उत्तम विद्युत का सुचालक। मित्रों फटाफट बताओ, समय आपका पूरा हो गया, उत्तम विद्युत का सुचालक क्या होगा, गीला कपड़ा। क्या होगा, गीला कपड़ा। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से बहती हो, प्रवाहित होती हो, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। गीला कपड़ा चालक है। मित्रों चालकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा चालकता किस में होती है, चांदी में, याद रखना है। दूसरी सबसे ज़्यादा चालकता होती है तांबे में, और तांबे से कम सोने में, और उससे भी कम होती है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा किस में हुई,
चांदी में, चालकता। अगला प्रश्न, ट्रेकोमुक्का बीमारी का संबंध किससे है? ट्रेकोमा। मित्रों ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है, फटाफट उत्तर देना है आपको, चार ऑप्शन आपके सामने है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किससे संबंधित है? समय आपका पूरा, बताइए फटाफट। मित्रों ट्रेकोमा जो है ये एक आँख की बीमारी है, आई आई ने हमारी आँख का जो रोग है, आई डिजीज है। इसका रोग जो होता है वो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ट्रेकोमेटिस होता है इसका रोग कारक। अगला प्रश्न है, डायबिटीज़ में क्या होता है, रोगी का बढ़ जाता है? नमक, शक्कर, प्रोटीन, वसा। समय आपका शुरू हो चुका है, डायबिटीज़ में क्या होता है आपको बताना है, फटाफट उत्तर दें। समय आपका पूरा हो गया है। डायबिटीज़ में शक्कर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मित्रों हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जाती है, ठीक है। ग्लूकोज अर्थात एक प्रकार की शर्करा है, ये रक्त में पहुंच जाती है। इस ग्लूकोज का नियंत्रण करने के लिए एक आपका हार्मोन स्त्रावित होता है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से, या यूँ कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसका बीटा लैंगरहैंस की दीपिका जो होती है भाग, उसकी बीटा कोशिका से निकलने वाला ये हार्मोन है, ये ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कई बार ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो किसका टीका लगाना चाहिए? इंसुलिन का। किसका टीका लगाना चाहिए? इंसुलिन का। शुद्ध सोना होता है दोस्तों, शुद्ध सोना क्या होता है हमें बताना है, चार ऑप्शन, 20 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट 26 कैरेट। समय आपका शुरू हो चुका है, शुद्ध सोना के बारे में आपको फटाफट बताना है, समय आपके पास बहुत कम है। शुद्ध सोना, मित्रों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोने के तीन भाग जैसे जैसे आप याद रखेंगे, एक होता है 24 कैरेट का, एक होता है 22 कैरेट का, एक होता है 18 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना होता है ये 99.99% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। जबकि ये 22 कैरेट सोना होता है ये लगभग 91.6% इसमें सोना होता है, और इसमें बाकी जो बचा हुआ भाग है उसमें कॉपर, जिंक मिले होते हैं। जबकि 18 कैरेट सोना होता है ये 75% सोना होता है, इसमें 75% होता है, बाकी जो 6 भाग बच गए उसमें क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, चांदी होती है आदि मिले होते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? हवा का कम दबाव, बर्फ़ का जमना, हवा में अधिक नमी। ऑप्शन आपके सामने हैं चार, फटाफट उत्तर दो, पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है? मित्रों समय आपका पूरा हो गया है, पहाड़ों पर सांस लेने की कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ जैसे ये ज़मीन और ये आपका पहाड़ मान लो, ठीक है, आप यहाँ थे तब तो आप यहाँ वायु का दाब अधिक है, वायु का प्रेशर अधिक है, किसकी तुलना में? आपके फेफड़ों की तुलना में। आपके फेफड़ों में भी वायुदाब होता है, यदि फेफड़ों में जो वायुदाब होता है उससे बाहर का वायुदाब अधिक होगा तब तो गैस का आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कहाँ चले गए, इस पहाड़ की चोटी पे चले गए, चोटी पे जाओगे तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुदाब कम होगा तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फेफड़ा है, हमारे फेफड़ों का वायुदाब अधिक रहेगा जबकि बाहर का वायुदाब कम होगा, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हवा का दबाव कम होना। अब अगला क्वेश्चन, एड्स किससे संबंधित है? दोस्तों एड्स बीमारी है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है इसके बारे में आपसे पूछना क्या नहीं चाहिए, और पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में, एड्स एक बीमारी है। संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा 3000 कितनी होनी चाहिए? 3000 होनी चाहिए। वैसे ये सामान्य क्वेश्चन है इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण वगैरह वगैरह होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु, मित्रों प्राकृतिक गैस है उसको द्रव में बदलना, चलो चार ऑप्शन आपके सामने, गर्म करना है, दाब देना है, रासायनिक क्रिया करनी है, कुछ नहीं करना, समय आपका शुरू हो चुका है, समय आपके पास बहुत कम है। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलना है, ठीक है, समय आपका पूरा हो गया। मित्रों जैसे आपके पास में ये प्राकृतिक गैस है, एक डब्बा है, ये लो ये एक डब्बा है, इस डब्बे में आपने क्या रखी है, प्राकृतिक गैस है। अब इसको डब्बा इसको किस में बदलना है, द्रव में बदलना है। तो मित्रों द्रव में बदलना है तो इस पर प्रेशर दो, जो चाह के दाब बढ़ा दो, जैसे ही दाब बढ़ाओगे तो इस गैस के अणु एकदम नज़दीक आएंगे, गैस के अणु नज़दीक आते हुए एकदम मिल जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। अर्थात दाब बढ़ाना पड़ता है,
अगला प्रश्न, पेट्रोलियम में ओलियम क्या है? मित्रों पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसमें ओलियम क्या होता है? चट्टान को, तेल को, गंधक को, हाइड्रोजन को? आपका ऑप्शन शुरू हो गया, समय शुरू हो गया है। ओलियम क्या होता है मित्रों? ओलियम का मतलब होता है तेल, अर्थात पेट्रोलियम जो होता है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और पेट्रोलियम में जो ओलियम नाम है इसका मतलब होता है तेल, ठीक है। और पेट्रोलियम पदार्थों को क्या बोलते हैं? कच्चा तेल, ये काला, ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये कच्चा तेल होता है। और पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना यानी गोल्ड ब्लैक भी कहते हैं। निरापद दिया सलाई का मतलब क्या है? निरापद दिया सलाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। दिया सलाई का कोई पद नहीं, दिया सलाई अपने आप जले, दिया सलाई जलाने पर जले, दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट बता देंगे मुझे उम्मीद है। दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले, कितना अच्छा और आसान क्वेश्चन। समय आपका पूरा हो गया, इसका मतलब हो गया दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से। दोस्तों ये माचिस की डिब्बी और ये आपकी एक दिया सलाई, इस दिया सलाई के आगे जो यहाँ पर ये जो रोगन साज जिसको हम बोलते हैं, या यूँ कह सकते हैं ये जो लगा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मित्रों? इसमें पोटेशियम क्लोरेट भी होता है और इसमें एंटीमनी सल्फाइड होता है, ठीक है, और लाल फास्फोरस भी होता है, ठीक है। और ये आपस में रगड़ेंगे, इस पर भी रोगन होता है, आपस में रगड़ेंगे तो जलन पैदा होगी और आपकी माचिस की तिल्ली जल जाएगी। अशुद्ध रक्त कहाँ तक पहुँचाता है मित्रों? हमारे शरीर में ऑप्शन आपका समय हो गया, सीरा के द्वारा, नीले के द्वारा, धमनी के द्वारा, अलिंद के द्वारा। अब आपका समय भी पूरा हो गया। दोस्तों हमारा हृदय, हमारा ये हृदय है, ये हृदय मान लो, इसमें चार भाग होते हैं, ऊपर वाले दोनों अलिंद, नीचे वाले दोनों नीले, और एक है होती है सीरा, एक होती है धमनी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, सीरा में हमेशा अशुद्ध। मित्रों धमनियाँ क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों की ओर ले जाती है, सीरा शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर लाती है। क्लियर हो गया? अब ये क्या कह रहा है, अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन पहुंचाती है? तो अशुद्ध रक्त, मैंने बोला सीराएं क्या करती है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त किसकी तरफ लेके आती है? हृदय की ओर, उत्तर नंबर एक। जबकि धमनियाँ क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी। मित्रों वायरोलॉजी का मतलब सीधी सी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वायरस होगा। हाल ही में वुहान शहर के अंदर ये जो वायरस अभी बाहर निकला है ना, कोरोना, ये वुहान शहर की एक लैब से निकला है, उस लैब का नाम है वायरोलॉजी लैब, याद आ गया होगा। तो वायरस का अध्ययन या वायरस विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वायरोलॉजी। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति कैसी होती है, कितनी होती है? मित्रों हृदय गति यानी हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट यदि आप हृदय के हाथ लगा के देखोगे तो एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, बेहतर टाइम। जबकि हम श्वास लेते हैं, श्वसन दर कितनी होती है हमारी एक मिनट में? 16 से 17, यानी श्वास तो हम 16 से 17 बार लेते हैं, जबकि हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होती है? बेहतर। अगला क्वेश्चन, एंजाइम किससे बनते हैं? मित्रों हमारे शरीर में जो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम स्त्रावित करती है, और जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है वो हार्मोन स्त्रावित करती है। जो एंजाइम होते हैं वो हमारी जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उनकी गति को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम जो है शरीर के लिए ज़रूरी है, ये किसके बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा प्रोटीन, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, और एंजाइम शब्द पहली बार एक व्यक्ति ने दिया, उस व्यक्ति का नाम है कुन्हे। दोस्तों आज मैंने आपको लगभग एक घंटे में 50 से अधिक क्वेश्चन करवाए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपसे पूछा भी और मैंने उसका विस्तार से उत्तर भी बताया। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण साबित होंगे ये 50 प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को अब लाइव सेशन को विराम देंगे, थोड़ी देर के बाद पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।